हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मिस्ट्री वर्ल्ड। दोस्तों आज हम आपको खाने पीने की चीज़ों से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट की जानकारी देंगे। हो सकता है आपने पहले कभी ये सुना ही ना हो, हालांकि आप अपनी रोज़ाना की लाइफ में इन पदार्थों का सेवन करते हैं। इन्हें जानना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टमाटर, क्या आप जानते हैं जो लाल टमाटर आप खाते हैं उन्हें लाल कैसे किया जाता है? दरअसल इन्हें डाई किया जाता है। इसके लिए कार्बेनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस खतरनाक केमिकल का प्रयोग चेरी को कलर करने के लिए भी किया जाता है, साथ साथ ये लिपस्टिक बनाने में भी काम आता है। गमी बियर या जेली, जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, क्या आप जानते हैं इन्हें और किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? ये गमी स्पोर्ट्स कारों को चमकदार बनाने में यूज होती है। इसे कार्नोबो मोम के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जो बाद में पॉलिश के लिए इस्तेमाल होती है। हम में से बेहद कम लोग यह जानते होंगे कि माइक्रोवेव को ख़राब करने के लिए एक अंगूरी काफ़ी है। यह सच है कि यदि आप माइक्रोवेव में एक अंगूर डालते हैं तो वह विस्फोट हो सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है, अंगूर गर्म होते ही भाप छोड़ते हैं और माइक्रोवेव बीम में उस भाप से इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वह प्लाज्मा का रूप ले लेती है और अंगूर आग पकड़ लेता है और माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि खाने पीने की चीज़ों में अगर आप चटनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और उसमें आप डबल डिप करके खा रहे हैं तो, यह आपके खाने की चीज़ों को बैक्टीरिया से बचाता है। और अगर आप वहीं सिंगल डिप करके खा रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया जाने का खतरा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि क्रैकर्स और चिप्स आपके दांतों पर कैंडी की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से कैविटी जमाता है? आपको यह सुनकर हैरानी हुई होगी, पर यह सच है। कुकीज़ के नाम से ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में दो प्रकार के कुकीज़ मिलते हैं। स्वाद की वजह से ये कुकीज अलग अलग नामों से के तहत बेचे जाते हैं। उदाहरण के लिए समोआ नामक स्थान पर इसे कुकी तो अन्य स्थान पर कारमेल डी लाइट कहते हैं। क्या आप जानते हैं सभी केले क्लोन हैं? आप ये सुनकर बोलोगे, भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, तू क्या बोल रहा है, पर ये सच है। लेकिन ये बात कितने लोगों को पता है? दरअसल बहुत से लोगों का मानना है कि केले की खेती केले के बीज से नहीं बल्कि क्लोन से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केले हम खाते हैं वो क्लोन खाते हैं, वो ओरिजिनल नहीं बल्कि क्लोन होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या आप जानते हैं संतरा स्वाभाविक रूप से नारंगी नहीं होता? वास्तव में उन्हें रंग नारंगी करने के लिए इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इथिलीन गैस का यूज ना केवल संतरे के रंग बदलने में किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग मरीजों के लिए इलाज में भी किया जाता है। दोस्तों आपको ये सब जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। यार आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।